हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काजमी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे और साथ साथ इस बात की भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। बिलाखिर दो छुट्टियों के बाद पीर का दिन है, आज हम आ चुके हैं और आज 20 नवंबर भी है। आज के दिन की खासियत के हवाले से तो जरूर आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ आज यकम रबीउल अव्वल भी है। बिलाखिर रबीउल अव्वल का चांद नजर आ चुका है और आज के दिन से जो है वो उस माह मुबारक का आगाज़ हो रहा है जब हमारे रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो आज के दिन की तमाम तर रहमतों बरकतों के साथ हम इस उम्मीद के साथ इस महीने का आगाज़ करते हैं कि हमारी राहों में जो भी तमाम तर मुश्किलात हायल हैं वो तमाम तर रुकावटें दूर हो जाएँ और ढेर सारी दुआएँ जो हैं वो आपको इस माह मुबारक के लिए हम आपको देना चाहेंगे। इसके अलावा जनाब आज के दिन के हवाले से कुछ बात करें तो आज पाकिस्तान के, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि पूरे जो हमारे बड़े सगीर हैं उसके सबसे बड़े और मकबूल शायर फैज़ अहमद फैज़ की भी 33वीं बरसी मनाई जा रही है और इस हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर जो इल्मी अदबी मेले हैं उनका इनेकाद किया गया। लाहौर के अंदर भी हमने देखा कि 3 रोज़ा जो फेस्टिवल जारी था, बहुत से लोगों की बड़ी तादाद ने उसमें शिरकत भी की है। तो हमारे लिए तो ये आज का जो दिन है और तमाम मेरा ख्याल है कि जो अदबी हलकों के लिए दिन है आज का, बड़ा ही ख़ास दिन भी है कि उनकी आज बरसी मनाई जा रही है। और ये वो शायर थे जो कि अलामा इकबाल और गालिब के बाद पूरी जो उर्दू अदब के लिए जिन्होंने काम किया है और आज के दिन जो है वो उनकी बरसी के मौके पर उन्हें हम याद भी करेंगे, उन्हें खराज तहसीन भी पेश करेंगे। और इनकी मकबूलियत का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा तो इसी बात से हो जाता है कि जो इनके तमाम तर मजमूए थे, अदबी मजमूए, उनके ना सिर्फ अंग्रेज़ी में बल्कि फ़ारसी में, रूसी ज़बान में, जर्मन में, हर ज़बान में जो है वो इनका तर्जुमा किया गया और बहुत ही ज़्यादा मकबूल जो है वो इनके तमाम मजमूए रहे हैं। तो इस बात से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितने मकबूल हमारे शायर थे, इनकलाबी शायर थे। और आज के दिन जो है वो उनकी बरसी हम जो है मनाएंगे और मुख्तलिफ जो मकातिब फ़िक्र के लोग हैं उनसे सवाल से बातचीत भी करेंगे। साथ साथ अगर मुल्क की मजमू ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर कुछ बात करें तो एक तरफ जहाँ पर जलसे किए जा रहे हैं नवाज शरीफ की जानब से, वहीं पर दूसरी जानब धरने की सियासत भी की जा रही है। धरना दिया गया है और अब मेरा ख्याल है तकरीबन 15वें रोज़ में धरना दाखिल हो चुका है। इस्लामाबाद के लोगों के लिए बड़ी ही मुश्किल आ चुकी है क्योंकि मुजाकरात पर मुजाकरात हो रहे हैं लेकिन डेडलॉक के ऊपर डेडलॉक भी बरकरार है। तो ओवरऑल इस्लामाबाद में एक कशीदा सी सूरत हाल है और इस कशीदा सूरत हाल के बाद अब हल किस तरह से निकलेंगे, किस तरह से आवाम को जो है रिलीफ मिलेगा, सब पर आज के शो में हम बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, माह मुबारक, माह अजीम की शुरुआत है और यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम मुल्की मामलात को साथ खैरियत के निपटा दे और ब्लेसिंग जो है इस महीने की वो हम सब पर रहे। तो जहाँ पर धरने की सियासत हो रही है, जहाँ पर इल्जाम की सियासत हो रही है, जहाँ पर अदालती कार्रवाइयों के हवाले से समाज पे समाज का सिलसिला जारी है, वहीं मशवरों की भी सियासत अब शुरू हो गई है। एक तरफ पीपल्स पार्टी मशवरा देती है नून लीग को, नून लीग मशवरा देती है पीटीआई को। और पीपल्स पार्टी की बात करें तो कल रहमान मलिक ने बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू की मीडिया से, जिसमें उन्होंने कहा कि छोटा भाई बड़ा भाई बनना चाहता था, बड़ा भाई छोटा भाई बनना चाहता था, मगर बीच में मोटा भाई आ गया। तो अब जब रहमान मलिक से बात होगी तो पूछेंगे कि ये मोटा भाई जो है वो कौन है। साथ साथ उन्होंने नून लीग को कहा कि नून लीग सिस्टम को चलाए और जो भी उनके पास 6-7 महीने हैं वो साफ खैरियत के गुजार लें क्योंकि जमहूरियत का पहिया तो बिलाखिर चलना है। और दूसरी जानब अगर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई पे जहां पे इमरान खान तनकीद कर रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, वही मरियम नवाज ने भी कहा कि असल में जो है जो भी ट्वीट की जा रही है वो इमरान खान साहब को कल ही हुक्म मिला है कि आपने वजीर आजम को जो है वो पपेट कहना है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि मशवरे की सियासत, इल्जाम की सियासत, धरने की सियासत हो रही है, वहीं हम देखते हैं वफाकी दारकूमत की बात करें अगर तो वहां पर बिल्कुल एक जिंदगी मफलूज सी होकर रह गई है। वहां पर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है उस धरने की वजह से क्योंकि उनको आने जाने में काफी मुश्किल का सामना होता है। आज बिलाखिर वज़ीर दाखला एहसन इकबाल ने एक कुल जमाती इजलास बुलाया है जिसमें तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम शिरकत करेंगे और अब देखना है यह है कि ये जो डेडलॉक है ये बरकरार रहता है, ये मसला ये कैसे सॉर्ट आउट होगा। और दूसरी तरफ अगर हम निगाह दौड़ाएं कल के एबटाबाद जलसे के हवाले से, जिसमें नवाज शरीफ बिल्कुल खुलकर बोले हैं और अब वो ये कहते हैं कि वो लंदन में नहीं जाएंगे और 2 दिसंबर को एक और जलसा करेंगे जिसमें मजीद वो अपनी सियासी पार्ट जो है वो शो करेंगे, तो कल वो कहते हैं कि जी अदालती फैसले से कोई असर
नहीं पड़ने वाला। मेरा और अवाम का जो रिश्ता है वो बिल्कुल वैसे ही बरकरार रहेगा। माइनस नवाज बिल्कुल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब अब देखते हैं कि मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इमरान खान ने मुलाकात की है मौलाना समीउल हक से और वहीं पर पीपल्स पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। तो हमारे मुल्क की सूरत हाल और हमारे मुल्क की जो सियासी कंडीशन है वो दिन ब दिन जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रही है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। अब देखना यह है कि आगे चलकर ये सियासत क्या रुख अख्तियार करती है। क्या वो लोग ठीक हैं जो लोग कहते हैं कि प्री इलेक्शन हो जाएंगे, या वो लोग ठीक हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, या फिर जैसे कि पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दें वरना फिर ये लोग इसी तरीके से कहेंगे कि जी हमें मुद्दत पूरी नहीं करने दी वरना हम तो आसमान से तारे तोड़कर ले आते। अब तारे तोड़कर तो नहीं लाए लेकिन हुआ क्या और होगा क्या इस पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ेंगे हम आज की टॉप स्टोरीज पर। मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात, डेडलाइन पर डेडलाइन, सब बेकार। इस्लामाबाद में कशीदगी अब भी बरकरार। एहतजाजी की आदत, वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे से पीछे न हटी। ठोस शवाहिद से पहले जाहिद हामिद को हटाया नहीं जा सकता, हुकूमत का जवाब। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की सदारत में तमाम मकातिब फिक्र के उलमा का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद के मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए नुमाइश चुरंगी, कराची में भी धरना जारी, सिक्योरिटी सख्त। देखने वाले सुन ले, नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है जो मौत से डरता ना जेल जाने से। एबटाबाद जलसे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की घनघरज, कहा रहबरों से सवाल करने वालों ने राजनों के हाथ पर बैठ कर ली है। इमरान खान को निशाने पर लिया तो बोले अरबों रुपए के दरख्त तो लगाए नहीं लेकिन अरबों रुपए खा जरूर गए। इसहाक डार शरीफ माफिया के फ्रंटमैन, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन जराय में मुलविस हैं। शाहिद खाकान अपनी ही काबीना के वजीर के सामने बेबस हैं। कप्तान की साबिक के बाद मौजूदा वजीर आजम पर भी तनकीद। इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज का पलट कर वार, कहा कठपुतली वजीर आजम नहीं बल्कि इमरान खान साहब आप खुद हैं, आपको आज वजीर आजम को कठपुतली कहने का हुक्म मिला है। तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी और चमक उठे हैं सलासल जी। तो हमने जाना है जी कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। और जो कुए यार से निकले तो सुए दार चले, समाजी मसाइल को मुख्तलिफ एहसास से जोड़ने वाले एहसास इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की 33वीं बरसी आज मनाई जा रही है। तो ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे पर पहले नजर डालेंगे आज के अखबार आता है। चलें जी जनाब, आज जंग की जो मेन लीड है वो डेफिनेटली धरने के हवाले से है और जो दूसरी लीड है वो एबटाबाद के जलसे के हवाले से, जिसका जिक्र हम अपने इंट्रो में कर चुके हैं। तो हम एहसन इकबाल की खबर को रीड आउट करते हैं। यह है कि धरने के बाद अनासिर कशीदगी चाहते हैं, सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, ऑपरेशन आखिरी हल होगा। अच्छा, वो कहते हैं भाई आखिरी जो ऑप्शन हमारे पास बचा है, अब ऑपरेशन ही बचा है हमारे पास क्योंकि कानून साजी तो हो चुकी है और इस हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए उन्होंने आज जो है तमाम जमात को, तमाम मकातिब फिक्र को, तमाम उलमाए कराम को आज बुलाया है और वो फिर इस धरने के हवाले से जो भी आगे डेवलपमेंट होगी उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। लेकिन कल वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने जो बयान दिया है उसको जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया है। लेकिन यहाँ पर हम पहले मेरा ख्याल है कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो अपने नाज़रीन को आगाह कर देते हैं कि खैरपुर में शाह हुसैन बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें जांबाक अफराद की तादाद 14 हो गई है। दो अफराद अभी भी शदीद जख्मी है जबकि हादसा वैन उलटने के बाद पेश आया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी उलटने के बाद इस पर पीछे से आने वाले ट्रक चढ़ गए थे जिससे लोगों की अम्बात हुई है। तफसीलात जान लेते हमारे नुमाइंदे वसीम सोमरू से। जी वसीम, बताइएगा यह हादसा किस तरह से पेश आया है और इस वक्त जख्मियों की हालत कैसी है? हेलो वसीम, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
हाँ जी बता जी आपको मैं बताऊँ, मैं आपको बताता चलूँ की शाह हुसैन थाना चीफ स्टेशन के हदूद में शाह हुसैन बाईपास के करीब एक तेज रफ्तारी की बारिश में पीछे से आने वाला ठीक है वसीम जी, वसीम बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए जो आप तफसीलात बता रहे हैं हमें। हेलो जी जी वसीम है, मेरा ख्याल है वसीम तक हमारी आवाज ठीक से नहीं जा रही, एक बार फिर से वसीम से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट करते चलें कि ये हादसा पेश आया है, ट्रक उलटने के बाद ये हादसा पेश आया है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। तफसीलात के लिए वसीम से एक बार फिर राब्ता करते हैं। वसीम आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? वसीम को शायद आवाज नहीं आ रही है। इस तरह के हादसात यूजुअली फॉग्स में और सर्दियों में ज्यादा रोनुमा होते हैं। कल भी हम देख रहे थे कि एक कार मोटर काटते हुए हादसा हुआ और इंतहाई अफसोसनाक हादसे। खैरपुर में शाह हुसैन बाईपास के करीब ये ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें जाँ बहक अफराद की तादाद अब 14 के करीब हो गई है जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम से। जी वसीम अपडेट कीजिए, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी सभा ये थाना चीफ स्टेशन की हदूद में शाह हुसैन बाईपास के करीब सखर जाने वाली वेन तेज रफ्तारी के बाद खाई में उलट गई, पीछे से आने वाली ट्रक में उलट गई जिसके बाद दोनों खाई में गिर गए। ट्रक जो है वेन के ऊपर से, वेन में 22 मुसाफिर जो सवार थे जो सखर अपने मुख्तलिफ कामों दफ्तरों से जा रहे थे, इनमें 2 घंटा गुजर जाने के अफराद ने अपनी मदद आपको लाशों को निकाल के इस बारिश में 14 लाशों का कंफर्म इंतजामिया कर रही है कि इसमें 14 जो है अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। वसीम ट्रक ड्राइवर के लिए कोई तहकीकात का आगाज किया गया है कि नहीं? जी ट्रक ड्राइवर के लिए तहकीकात का आगाज किया गया है? नहीं, इस तरफ से ट्रैफिक चल रही है, दूसरी तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। ठीक है बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शाह हुसैन बाईपास के करीब ये हादसा पेश आया है, 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि वैन उलटने के बाद ये हादसा पेश आया। इससे कबल हम देख रहे थे कि मरी रोड पर भी इसी तरह के वाकयात पेश आ रहे, तो जरा एहतियात कीजिए अपनी ट्रैफिक जो आजकल हम देख रहे हैं वैसे ही जगह जगह पर धरने हो रहे हैं, प्लस ये कि सर्दी का मौसम है, जगह जगह पर फॉग भी है, तो थोड़ी एहतियात जो है वो खुद भी लोगों को बरतनी चाहिए इस तरह के बाईपास पर जाते हुए। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं और एक्सप्रेस रोजनामा की मेन हेडलाइंस अगर हम शामिल करें तो बिल्कुल यहाँ पर 2 अहम चीज़ें, 2 अहम खबरें लगाई गई हैं। एक तो इस्लामाबाद में जो इस वक्त धरना जारी है जिस हवाले से आज तमाम मकातिब फिक्र के जो उलमा हैं उन लोगों को बिठाया जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि आखिर करना क्या चाहिए, क्योंकि हुकूमत इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह हम अपनी आखिरी ऑप्शन का इस्तेमाल ना करें और ये हालात पुरअमन तरीके से सॉल्व हो जाए, लेकिन सूरत हाल जो है वो अभी तक कशीदा है और इस्लामाबाद के अंदर ये सूरत हाल पिछले 15 रोज से जारी है जिसके बाद अभी भी वो लोग अपने इस मुतालबे जो धरने के शुरुआत हैं वो अपने इस मुतालबे पर बिल्कुल बज़िद हैं कि जनाब हम इस्तीफा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आज मेरा ख्याल है कि ओवरऑल इस तमाम सूरत हाल के ऊपर ये जो आज अहम हंगामी इजलास बुलाया गया है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकाला गया। इसके अलावा जो दूसरी खबर वो नवाज शरीफ के हवाले से है, नवाज शरीफ जिन्होंने कल एबटाबाद में एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा जलसा किया और इस जलसे के बाद उन्होंने अपना लंदन प्लान भी मौखर कर दिया जिसके बाद अब वो क्वेटा के अंदर अगला जलसा करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अब वक्त इंतखाबात का करीब है और अब अवामी राबता मुहिम शुरू हो जाएगी और ये मुहिम जो है इसकी दूसरी कड़ी अब हम क्वेटा में देखेंगे। बिल्कुल लेट्स सी कि अब क्या होता है। जो नून लीग है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब अपोजिशन में आ गई है, हुकूमत में नहीं है, क्योंकि इस तरह के वो बयान दे रहे हैं। बहरहाल हुकूमत तो उनकी है, तो जहाँ पर सियासी जमातें मुतहरिक हैं और ओवरऑल जितनी भी इसमें खबरें हैं वो हमने इंट्रो से लेकर आपको अब तक बताई। तो अब एक बड़ी दिलचस्प खबर जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, वो है आसफा भुट्टो जरदारी के हवाले से, जो कि पोलियो के लिए तो काम कर ही रही थी लेकिन अब लियारी में भी उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर जो नाज बलोच हैं वो उनको उस एरिया में लेकर गई और उस हल्के में उन तमाम लोगों से मिलवाया और जहाँ पर फीमेल बॉक्सर्स होती हैं उन्होंने उनके साथ बॉक्सिंग भी की और साथ साथ कहा कि उस क्लब में जितनी सहूलतों की ज़रूरत होगी वो तमाम सहूलतें जो है वो आसफा भुट्टो जरदारी उनको प्रोवाइड करेंगी। और उसके साथ साथ उन्होंने उन तमाम लड़कियों का मोराल बढ़ाया जो कि स्पोर्ट्स के अंदर आना चाहती हैं, बॉक्सिंग करना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल में लियारी के आवाम के लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि फीमेल का कोई भी मसला होता है तो आसफा भुट्टो जरदारी ज़रूर इन होती हैं। और जो शॉर्ट न्यूज़ अगर मैं शामिल करूँगी तो उसमें शॉर्ट न्यूज़ में अगर यहाँ पर एक खास खबर है और वो खबर यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की मुश्तरक फौजी मशकें शहाब 2 अब रियाज में होंगी। और रियाज से ही मुझे याद आया कि सऊदी अरब का जो एक अहम इजलास है काहिरा में हुआ है जिसमें ईरान के हवाले से और हिजबुल्ला के हवाले से उन्होंने शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया है और सऊदी अरब का यही कहना है, साथ साथ जो बहरीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनका भी यही कहना है कि ईरान जो भी इकदाम कर रहा है उस हवाले से बात की जाए और एक प्लेटफॉर्म पर जो है इन लोगों को लेकर आया जाए, क्योंकि बहरहाल दोनों एक ही कौमें हैं लेकिन इतना ज़्यादा इनके अंदर लड़ाई झगड़ा होता है। तो काहिरा में जो इजलास बुलाया गया उसमें वज़ीर ख़ारजा जो हैं सऊदी अरब के आदिल अल जुबैर उन्होंने बहुत ज़्यादा शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। और साथ साथ ट्रंप के हवाले से बात की जाए तो जॉन हाइटन भी यही कहते हैं कि अगर उन्होंने शुमाली कोरिया
इंडिया पर एटम बम गिराने का कहा तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब ट्रंप की तनकीदों से, ट्रंप की पॉलिसी से वो भी तंग आ चुके। बिल्कुल जनाब, सऊदी अरब के हवाले से सामान्य जिक्र किया तो आपको जरूर बताना चाहेंगे कि कल हमारे जो वजीर आजम साहब है शाहिद खान अब्बासी साहब और उनके साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करनी है। तमाम सिक्योरिटी मामला के ऊपर जो है वो ओवरऑल बातचीत की जाएगी। तो एक तो जनाब यहाँ पर खबर यहाँ पर ये मेंशन है, उसके अलावा अगर दूसरी अहम खबर का जिक्र करें तो जैसे कि वो बता रही हैं कि आसपास भुट्टो बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं, तो साथ साथ हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी भी बड़ी एक्टिव हुई हुई है और जहांगीर पार्क का उन्होंने इफ्तिताह किया है, जिसके अंदर तकरीबन 20 करोड़ की लागत से ये पार्क बनाया गया है। और उनका यही कहा जा रहा है कि जनाब सिंध हुकूमत को पहली बार कराची का की ओनरशिप मिली है, जिसके बाद हमने काम करके दिखाया, तो डेफिनेटली अगर हम इंतखाबात जीत जाते हैं तो फिर आगे मजीद भी जो है वो काम करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट की छोटी सी खबर जरूर शेयर करेंगे और खबर जो है वो अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं है। अंडर 19 एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई और अफगानिस्तान ने पहली मरतबा ये टाइटल अपने नाम किया है, तो तकरीबन 63 रन पर जो है वो पूरी टीम फेल हो गई थी। और अफसोस की बात ये कि हमारे तमाम जो 9 खिलाड़ी डबल फिगर तक भी नहीं पहुंच सके, जो कि बड़ी सैड थी। और कल जब ये हेडलाइन मेरे सामने आई ना, तो उसको पढ़ते हुए मैंने दो दफा सोचा, मैंने कहा अफगानिस्तान से हार गए हम, मतलब मैंने दो दफा वो चीज कंफर्म की है, तो दिस इज वेरी सैड यार, डबल फिगर तक तो हमें पहुंचना ही चाहिए था। आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद से खबर लेते हैं कि वहां पर क्या हाल अहवाल है। फैजाबाद के मुकाम पर तहरीक लबैक का धरना जारी है और इसी हवाले से जो है वो मजीद अपडेट लेंगे। हमारे साथ कौन मौजूद होंगे? फुरकान अली। तो फुरकान अली, अपडेट कीजिए अभी ताजा तरीन क्या सूरत हाल है। अली फुरकान जी, अली फुरकान, आपको आवाज आ रही है हमारी? मेरा ख्याल है कि हमारा भी रابطہ उनसे नहीं हो पा रहा है। चले इस्लामाबाद की सूरत हाल मेरा ख्याल है कि अब है हमारे साथ लाइन पर। जी अली फुरकान, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ जी आपको। जी बताइएगा कि धरने की सूरत हाल क्या है, ताजा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी धरने की सूरत हाल वैसी है जैसे गुज़श्ता दिनों में थी। जो मुजाहिरीन हैं वो इंटरचेंज के जो मरकजी मकाम है उसके ऊपर बैठे हुए हैं फैज़ाबाद पे, और इस वक्त जो है वो चूँकि सुबह का वक्त है तो बहुत सारे जो मुजाहिरीन हैं वो नाश्ते के और चाय पीने में मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ अखबारात जो हैं उनका मुतालिया कर रहे हैं, तो टोलियों की सूरत में बैठे हुए हैं। अभी सुबह का वक्त है, रात में देर तक यहाँ पर जो है वो तकरीर का सिलसिला चलता है और उसके बाद ये लोग जो है वो आराम करते हैं। अभी सुबह है, वो उठे हैं, लेकिन आज जो मुज़ाकरात के हवाले से जो डेड लॉक है उस हवाले से आज अहम दिन है, चूंकि आज यहाँ पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अहम जो एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, जितनी अहले सुन्नत की जमातें हैं बड़ी, उनका इजलास है आज यहाँ पे। और हामिद सईद काजमी जो कि साबिक वफाकी वजीर हैं उनकी सरबराई में तमाम अहम जो मजहबी रहनुमा है वो इकट्ठे हो रहे हैं इसी धरने के हवाले से ही, इस डेड लॉक के को खत्म करने के हवाले से वो बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको खत्म किया जाए। अली फुरकान ये बताएगा, बिल्कुल आज मुज़ाकरात एक बार फिर से किए जाएंगे और फिर जाना जाएगा कि ओवरऑल अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या उठाया जाएगा हुकूमत की जानिब से। और वहां पर हम देख रहे हैं कि पुलिस भी तैनात है, रेंजर्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है, एफसी के अहलकार भी मौजूद है, तो ओवरऑल सिचुएशन बड़ी वाजे है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन फिर भी ये बताएगा कि यहाँ पर जो शुरका है धरने के, इनकी पूरा दिन क्या एक्टिविटीज रहती है? क्या ये सिर्फ बैठे रहते हैं, किसी किस्म का कोई खिताब भी इनकी जानिब से किया जाता है? मजीद अब इनकी तरफ से कोई मुतालबात सामने आ रहे हैं? जी मुतालबात तो उनके वही हैं और बुनियादी मुतालबा जो है जिसके ऊपर डेडलॉक बरकरार है वो वजीर कानून का इस्तीफा है। जो इनकी दिन भर की एक्टिविटी है वो यही मामूल इनका होता है कि ये लोग जो हैं वो रात में देर तक जो है वो तकरीर करते हैं, यहाँ पे महफिले नात होती है। गुज़श्ता शब चूँकि रबीउल अव्वल की पहली शब थी तो यहाँ पे ख़ुसूसी महफिले नात का एहतमाम था, और दिन में जो है वो तकरीर होती है, नमाज होती है, और हर नमाज के बाद जो है वो कुछ घंटों के लिए यहाँ पे तकरीर की जाती हैं, और जो जोश है वो बरकरार रखा जाता है। इसके साथ साथ जो है वो जो खाने के वक्त में इनके पास जो है वो खाना जो पहुँच तो फिर ये लोग जो है वो बैठ के ग्रुप की सूरत में जो है वो खाना खाते हैं। आपसे मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बता, पोजीशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। बहुत बड़ी कमजोरी है, गवर्नमेंट की रिट खत्म हो चुकी है, उसमें रिट नहीं है अपना, जो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो यूज नहीं कर सकते, और वो कुछ लोगों ने इस्लामाबाद को सील किया हुआ है। मैं समझता हूँ काबिल अफसोस बात है, इस्लामाबाद में
20 लाख की पॉपुलेशन तो अपनी जगह पे, दुनिया भर के लोग वहाँ पाकिस्तान में आते हैं और जिस तरीके से वर्षा हो रहा है, जो तरीका जिससे उनको ट्रबल पेश आ रही है, परेशानियाँ हैं, और बहुत काबिल अफसोस है। हुकूमत को अगर एक्शन नहीं लेना है तो फिर हुकूमत को बेहतर है कि अपनी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। शाह साहब कहेगा कि एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत बड़े और मुस्तरद किस्म के इत्तेहाद बनना शुरू हो गए हैं, तो आप समझते हैं कि गुज़िश्ता जो सालों में पीपल्स पार्टी कारकर्दगी रही है उसको बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी को नुकसान हो सकता है? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो 5 साल पहले गुजरे हैं या ये है, अगर कोई आके देख ले तो पाकिस्तान के किसी सूबे में इतनी तरक्की नहीं हुई है जितनी एजुकेशन में, हेल्थ में, कम्युनिकेशन में, और ख़ास करके जो हमारे पास पानी का मसला है उस पर जो काम हुआ है, और आइंदा भी काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद 5-10 साल और काम हो तो हम, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में नहीं मगर दुनिया के बेहतर मुल्कों की तरह सिंध भी आगे नजर आए। शाह साहब, आप ये बताइएगा, नवाज शरीफ ने रहजनों की बात की है और उन्होंने परवेज मुशरफ का नाम भी लिया है कि एहतसाब वन साइडेड है, किस तरफ वो इशारा करें, क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल है? एहतसाब वन साइडेड हो या टू साइडेड हो, एहतसाब बराबरी के बुनियादों पर होना चाहिए, सबका होना चाहिए और एहतसाब नजर आए। और जहाँ तक परवेज मुशरफ की बात है तो मियाँ साहब से कहता हूँ कि आपने खुद उनको इजाजत दी और खुद आपने उनको बाहर जाने दिया, तो ये सवाल वो खुद अपने सबका इंटीरियर मिनिस्टर से कर सकते हैं। शाह साहब, आपने जैसे मशवरा दिया कि अदालतों में पेशा नवाज शरीफ ने तस्लीम कर लिया, अब आपका अगला मशवरा क्या होगा कि वो किस तरह से अपनी सियासत में लेके चले? मेरी तो उसको फिर एक मरतबा मशवरा यही है कि जो अदालतों के फैसले हैं उसको मनतन कबूल कर ले और अदालतों का फिर जो सामना है वो कर ले, यही कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है। आपका डेरा इस्माइल खान वाक्य पे वो ठोस मौकफ सामने नहीं आया? देखें, हमारी पार्टी ने ये मौकफ उठाया हुआ है, हमारी सेनेटर रुबीना अलग है, वो इसको टेकअप किया है और लेके चल रही है। बाद में ये लोग हैं जो दावर कुंडी का जो स्टेटमेंट है उसमें, क्योंकि ये मुझे पहले ही पता है कि जो वहाँ का MP है जो पहले भी शहद में या किसी में इन्वॉल्व रहा है, वो उसके पीछे, उस वाक्य के पीछे है। दावरकुंडी ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की है और उसको इमरान खान की पार्टी में, मैं समझता हूँ ये कोई नॉर्मल चीज़ें होती है। भंडापुर कहता है कि मैं इमरान खान का फ्रंट मैन हूँ, तो आप इमरान खान को उनको देख लें, फ्रंट मैन को देख के ही जो पीछे होता है उसका हिसाब लगाया जाता है। डॉक्टर आसिफ के बारे में बताइए, मुतजाद बातें आ रही हैं सामने, क्या वाकई उनको हटाया है पार्टी ने? जो मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं। सर, MTN का जो अभी सुलह हुआ था, फिर अलादगी हो गई, इसमें क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी को कितना फायदा है या पीपल्स पार्टी कराची में? पीपल्स पार्टी सियासत में फायदा और नुकसान की बात नहीं करती, पीपल्स पार्टी हमेशा सियासत की बात करती है, सिस्टम की बात करती है। हम किसी की तोड़ जोड़ में नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ सुथरी सियासत हो, जो जिसका, ये मेरा पुराना वतीरा है और मैं कहता आया हूँ, जो जिसका किरदार है वो अपना अदा करता रहे। अगर अदारों ने और अदारों के अंदर या अदारों से बाहर या सियासत में एक दूसरे के अंदर इंक्रोचमेंट करने शुरू कर दी और अपने पावर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए तो उसके नतज अच्छे नहीं होते मुल्क के रियासत। फिर ख्वाब देख लिया कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं हो रहे, या इलेक्शन बाद में होंगे या पहले होंगे। इस वक्त सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें उनका यही कहना है कि पीपल्स पार्टी फायदा और नुकसान नहीं देखती है, पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासत करती है, साथ साथ अवामी मसाइल के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने नून लीग के हवाले से भी बात की कि जनरल मुशरफ को उन्होंने खुद भेजा और उसके बाद अब खुद शिकायत करते हैं। अभी उनकी गुफ्तगू जो है वो जारी है, इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे और अभी हम जा रहे हैं लाहौर और हम बताएंगे कि लाहौर में कौन से नुमाइंदे। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे लाहौर से मौजूद है तारिक खान, उनसे जान लेते हैं कि लाहौर में आज क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही है। मेरा ख्याल है कि वीकेंड पर सारी एक्टिविटीज खत्म हो चुकी है, तारिक खान आगे क्या है, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास लाहौर के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज़ खत्म हो जाएंगी तो फिर काम कैसे चलेगा, एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए ताकि हमारा काम भी चलता रहे। तो एक्टिविटीज़ ज़रूर है आज, क्योंकि सियासी गढ़ है लाहौर और यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर होता रहता है। तो
तो आज अगर सियासी एक्टिविटीज जो बाहर जो शेड्यूल में है वो तो कोई नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब पाक लाहौर आएँ और यहाँ पर आके वो सियासी एक्टिविटीज़ का दोबारा से आगाज़ करें। इसके साथ मरियम सफदर जो हैं, मरियम नवाज जिनको कहा जा रहा है, वो भी बहुत इन है 120 के हल्के में, ख़ासतौर पर उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो किसी ना किसी यूसी में जाके वहाँ के हल्के के लोगों से और उनके नुमाइंदों से मिलते हैं, तो ये भी एक्टिविटीज़ हो सकती है। इसके अलावा आज जो है कुछ छोटी एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी हैं, पीपल्स पार्टी का इजलास है जिसमें आइंदा के लाहेमल और जो उम्मीदवारान हैं उनसे मुशावरत की जाएगी कि किस तरह पार्टी को दोबारा से एक्टिवेट किया जाए। और इसके साथ मिनी ट्रक्स होल्डर हैं उनका आज धरना भी है और उन्होंने कहा है कि वो जो मोटरवे है बाबू साबू इंटरचेंज पे वो बंद कर देंगे, उनको बहुत तंग किया जा रहा है, ज़िले हुकूमत तंग कर रही है उनको, जो वार्डन हैं वो बहुत तंग कर रहे हैं, तो इस बारे से उन्होंने शेड्यूल किया है उसको कि वो मोटरवे को बंद करेंगे और अपना एहतजाज करेंगे। इसके अलावा पोलियो डे है आज और इस हवाले से जो है आज मुहिम का आगाज़ किया जाएगा, बच्चों को पोलियो डेज के हवाले से जो है वो देख रहे थे लाहौर से जहाँ पर बहुत अब भी है, क्योंकि मुझे लगा कि फूड फेस्टिवल खत्म होने के बाद और साथ साथ जनाब जो फैस फेस्टिवल किया जा रहा था वो भी खत्म हो चुका है, तो आज शायद एक्टिविटीज कम होंगी, लेकिन अभी भी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो कि हैं और मुख्तलिफ मालिक आई मीन पूरे पाकिस्तान भर में भी जो है वो हम देख रहे हैं। 3 रोजन दादी पोलियो मुहिम का आगाज भी हो चुका है, इस हवाले से लाहौर में भी एक्टिविटीज हो रही है, मजीद भी आपको अपडेट्स देंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का कहीं जाएगा। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब मुख्तलिफ शहरों का तो हमने रुख किया और जाना कि वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अब रुख करेंगे हम कराची का और जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफीर वहाँ पर मौजूद हैं। कराची में भी आप जैसे कि जानते हैं कि इसी इत्तेहाद के चक्कर में धरना दिया जा रहा है और यहाँ पर भी कुछ सड़कें ब्लॉक की गई थी, लेकिन यहाँ के जो मुजाहरीन हैं वो थोड़े मुख्तलिफ इस्लामाबाद वालों से, क्योंकि ये सड़क के किनारे पर अब बैठ चुके हैं और रोड्स इन्होंने आवाम के लिए खोल दी हैं। तो ओवरऑल तमाम तर सिचुएशन यहाँ पर क्या है, कराची में किस तरह से धरना दिया जा रहा है, और इससे पहले तो ये तलाक थी कि खत्म कर दिया गया है लेकिन अब फिर से यहाँ पर धरना शुरू किया है, तो वजह क्या है जान लेते हैं कफील से ही। कफील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आप? हेलो जी कफील, आवाज आ रही है आपको? जी कफील, अपडेट कीजिएगा धरने के हवाले से, कराची में धरना मुजाहिरीन किस तरह से धरना दे रहे हैं और एक बार फिर से इन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया। देखिए एनएम, कल जो है वो बाकायदा जो है वो जो एहतजाज जारी है इस्लामाबाद में, उसके बाद जो है वो एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया था और उसके बाद से शाम से नुमाइश जो चौरंगी है मरकजी वहाँ पर जो है वो मुजाहिरीन मौजूद थे कल लास्ट से अब तक, लेकिन अब सुबह के बाद ट्रैफिक वो बदतरीन जैम हुआ, तो उसके बाद अब अगर मेरे कैमरे में दिखा सकें ये लोग मरकजी रोड शोड के जो है वो यहाँ पर बैठ गए हैं और इनका एक ही जो है वो मुतालबा है कि बतून जाहिद हामिद को जो है वो बरतरफ किया जाए, बसूरत दीगर वो यहाँ से जो है वो धरना खत्म नहीं करेंगे। उनका कहना ये था कि इस्लामाबाद में जो धरना जारी है हमारे कायदीन का बातचीत कर रहे हैं उसके बाद ही जो कि फैसला हो जाएगा, तमाम उनका एक ही मुतालबा है किसी तरह जो कानून में तरमीम की गई है उसको जो है वापस लेकर जाहिद हामिद को जो है वो बरतरफ किया जाए तो उसके बाद जो है वो इसको खत्म कर देंगे। तमाम अब जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो खासी बेहतर हो गई है और ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है, इसलिए कि तमाम मुजाहरीन जो है जो कि पहले मरकजी रोड पे थे अब वो साइड में आके बैठ गए और तमाम उनका मुतालबा जो है वो एक ही है। जी ठीक है कपिल अहमद, अपडेट करते हैं आपका बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद में जो धरना जारी है उसी के इत्तेहाद के तनाजुर में यहाँ पर नुमाइश चौरंगी पर भी धरना दिया जा रहा है और उनका ये मौकफ है कि जाहिद साहब को जो है वो रिज़ाइन कराया जाए, इस्तीफा दिया जाए, उसके बाद ये धरना खत्म करेंगे। अब देखना ये है कि आज क्या होता है इजलास के बाद, किस तरह से ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होते हैं। बिल्कुल जनाब, और ओवरऑल कराची की सिचुएशन भी आपको हमने बताई, इस्लामाबाद की भी सिचुएशन बताई और आज चुकी यकम रबीउल अव्वल भी है, तो डेफिनेटली जो मुज़ाहरीन हैं उनके जज्बात भी इस वक्त कुछ ज़्यादा ही जोश में, और हम देख रहे थे कि लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लग रहे थे, लेकिन ओवरऑल ये तमाम तर सूरत हाल जो रही है की वजह से आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है, ट्रैफिक बहुत बुरी तरह से जाम रही है, चाहे वो कराची की बात हो चाहे वो इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद की आवाम तो आप देखें 15 दिनों से पिछले मफलूज बैठी है, उनका राबता जो है वो मुनकता हो गया है दो मुख्तलिफ शहरों का, तो अब बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि आज उम्मीद करते हैं हम और कोशिश भी की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि किसी तरह ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए और ये धरना जो है वो ख़त्म किया जाए ताकि हमारी आवाम को जो है वो सुकून पहुँचे। और सही एक बात किसी ने की थी कि जी अगर आप सही काम को के लिए भी या सही वजह के लिए भी गलत रस्ता इख्तियार कर रहे होते हैं तो वो काम भी गलत हो जाता है, तो ये तमाम तर सिचुएशन जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और धरना जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। चले जी अब हाफसाबाद की जानिब बढ़ते हैं और मुल्क भर में आज से
3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। हाफिजाबाद में इस मुहिम के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष के नुमाइंदे अंजुम सुहेल। जी अंजुम सुहेल, बताया गया इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में आज से 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है और इसी मुहिम के सिलसिला में हाफिजाबाद में भी महकमा सेहत की जानब से खसूस इंतजाम किए गए हैं। 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 2,06,000 बच्चों को हफासी कतरे पिलाने के लिए और पोलियो के मर्ज से बचाव के लिए महकमा सेहत की जानब से 437 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बिलखसूस स्कूलों में जाकर बच्चों को हफासी कतरे पिलाएंगी। महकमा सेहत के साथ साथ पुलिस के जो जवान है उनकी ड्यूटियां भी लगाई गई हैं सिक्योरिटी इंतजाम के लिए। उसके साथ साथ महकमा तालीम और दीगर जितने भी मुतलका महकमे उनके अहलकारों के भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। महकमा सेहत की जानब से तो तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने वालदन से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाव के लिए ये फासली कतरे जरूर पिलाएं और जो भी टीम उनके घर आए अपने बच्चों को उस टीम के जरिए फासली कतरे जरूर पिलाएं ताकि उनके बच्चे जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम सुहेल, अपडेट कर रहे थे हाफिजाबाद से जहाँ पर 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ये इस वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। चलें जनाब, अब हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से और ब्रेक जो थी वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी और मैं और अनम जो है वो यही सोच रहे थे कि हम वापस कमाएंगे। फाइनली वापस आ गए और अब हम कुछ बात करेंगे धरने के हवाले से। ओवरऑल जो सिचुएशन है इस्लामाबाद में, जिस तरीके से पूरा शहर मफलूज हुआ हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पर 10 से 15 दिन हो गए हैं अब धरना जारी है और पूरी कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि किसी तरीके से मुज़ाकरात की जाएँ, डायलॉग किया जाए और ये तमाम सूरत हाल जो है वो कंट्रोल की जाए। तो इसी हवाले से आज हम अपने शो में भी बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब और उनसे इसकी सूरत हाल पर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप नफीस भाई? नफीस साहब, सबसे पहले तो रबीउल अव्वल का चांद नजर आ चुका है। हाँ। रबीउल अव्वल है, आपको इस माह की मुबारक के जी। नफीस साहब, क्या है आज इदारियों में? जी वो सारा आज देखें, अब धरना ही इस वक्त जो है कौमी इशू बन चुका है ये इस्लामाबाद में धरना, और अब उसका जो असर कराची में आ रहा है और आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम की जो भी आपने खबरें पढ़ी हैं इसके हवाले से जो है 14, 13, 15 दिन हो गए हैं और इस वक्त इसका इस मसले का कोई हल नहीं हो पा रहा। राइट ऑफ प्रोटेस्ट को राइट ऑफ मूवमेंट पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये डिबेट चल रही है, हुकूमत पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि क्या है हुकूमत, क्या नाअहल है, क्या हुकूमत ख़त्म हो चुकी है कोई, या ये रिट नहीं है इसकी कि ये एक धरना ख़त्म नहीं करवा सकती। 14-15 रोज़ हो गए और अदालत भी हुक्म दे चुकी है, इसका मतलब है हुकूमत के पास इखलाकी जवाब भी और कानूनी जवाब भी है धरना ख़त्म करवाने के लिए, लेकिन हुकूमत की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि मुज़ाकरात के जरिए बातचीत ये मसला हल हो जाए, इसके लिए ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़े। हम देख रहे हैं वज़ीर दाखला के भी बयान यही आ रहे हैं, आज उन्होंने इजलास तलब किया हुआ है उलमा मुशायख से, वो मुशावरत करेंगे, कोई ऐसा प्लान बनाएंगे कि ये जो है ना अफाम तकीम से मसला हो जाए। अभी ताज़ा तरीन इत्तला आ रही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तलब भी कर लिया है, तो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट को तलब करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तो हफ्ते की सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन दी थी हुकूमत को कि वो धरना खत्म करवा दे, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, मॉडल टाउन वाकये के बाद हुकूमत मुतहम्मिल हो ही नहीं सकती। हाँ। कि वो इस ताकत का इस्तेमाल करे, ना वो चाहती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं और ये थोड़ी सी तजिया भी पेश किए जा रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता खून की एक बूंद भी गिरी या उस धरने में ताकत के इस्तेमाल पर एक गोली भी चली तो सियासत की बेशुमार गोलियां हुकूमत की तरफ आएंगी और हुकूमत पहले ही बड़े जो है बहरान का शिकार है, इसलिए वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी काम हो, इसके लिए अब ये मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा मुज़ाकरात का रास्ता तो जाहिर सी बातें अपनाना पड़ेगा, डायलॉग भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर वसत अल्लाह साहब के उस एडिटोरियल को हम देखें जिसमें इंगेज नंबर और राइट नंबर और रॉन्ग नंबर की बात की गई, तो उस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि इसको डिस्कस कीजिए कि एक्चुअली इसमें बात तो ठीक की है उन्होंने कि भाई वो चाहें तो धरना खत्म हो सकता था, मॉडल टाउन वाले वाकया भी ख़त्म करवाया, फिर तहरुल काजरी को भी उन्होंने जो है वो धरने से उठवा लिया, 126 दिन के धरने से भी बाहर आ गए, तो मेरे ख्याल में इसमें डायलॉग में क्या कबाहत थी? बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा है वसीतुल्लाह खान ने, नाका नहीं हाँका, ठीक ये जो धरने को वो हाँका कह रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, आप ये कहते हैं कि इखलाकी और इंसानी और जवाब से जो है आप लगा रहे हैं और लहरा रहे हैं कि ये हमने ये पास कर दिया कानून, ये सब बेकार है,
क्योंकि उन लोगों को आपके चेहरे पसंद नहीं आ रहे और आप अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें, यहाँ से अब जाना आपका ठहर गया है। और ये वो यही कह रहे हैं कि भाई ये जो नाके जो आप जो कह रहे हैं ना हाके, ये बाकायदा एक हाँका, और हाँ हाँका समझते हैं आप क्या होता है कि जब किसी का शिकार किया जाता है तो चारों तरफ से उसे घेरा जाता है, ढोल डब्बे बजाए जाते हैं और जब एक खास मुकाम पे पहुंचता है तो मचान पे खड़ा शिकारी या किसी हाथी के ऊपर सवार शिकारी एक गोली से उसका खात्मा कर देता है। तो ये हुकूमत, उन्होंने जो एक सटायर जो पेश किया उसको उनके हिसाब से ये हुकूमत को फंसाया जा रहा है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं डिबेट भी जो है मुख्तलिफ की जा रही है। अच्छा नफीस साहब, ये बताइएगा कि अब ओवरऑल सिचुएशन सबके सामने है, वो लोग तो अपने मुतालबे से हट नहीं रहे कि जाहिद साहब का हम लोगों ने इस्तीफा लेना और तभी जाना है, दूसरी तरफ हुकूमत भी इस वक्त कोशिश कर रही है, हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही है कि किसी तरह मामला जो है वो अफाम तफीम के साथ हल हो जाए, किसी किस्म का खून खराबा ना हो। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ दोनों जमातें बस जिद नज़र आ रही है, एक तरफ ये हम देख रहे हैं जो धरना दे रहे हैं धरना मुजाहिदीन, और दूसरी तरफ हुकूमत भी कह रही है कि हम इस्तीफा तो नहीं देंगे इस मामले पर, और ऑब्वियसली बात है कि अगर इस्तीफा दे दिया तो आपके ऊपर इस चीज़ का लेबल लग जाएगा कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो आपको हुकूमत के लिए एस्केप इस वक्त क्या नज़र आ रहा है, किस तरह से इस मामले से निपटा जाए? देखिए हुकूमत के ने तो एक तो पहली बात ये कि हुकूमत ने देर की काफ़ी। अब जब ये आज हम देख रहे हैं कि आज उलमा मुशायक के साथ जो मुशावरत करेंगे इसका क्या नतीजा निकलता है, लेकिन हुकूमत के लिए एक सेफ रास्ता यही है कि मेरी अपनी पर्सनल राय है कि जाहिद हामिद से कहें कि अभी फिलहाल आप अपने ओहदे से बरतरफ हो जाएं, तहकीकात कर लें इस्तीफा, और हम कमेटी कायम करते हैं, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी कायम करते हैं चाहे कोई और कमेटी कायम करते हैं, वो तहकीक करे, अगर कुछ साबित होता है कि उनकी कोताही है, कोई गलती हो गई है, कोई क्लरिकल एरर है, मिस्टेक है, तो वो उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए, वरना वो अपने ओहदे पे बहाल हो जाए। इसके मतलब क्योंकि इखलाकी तो अदालत भी कहती है कि जब पार्लियामेंट से मुसवदा पास हो गया है 7B और 7C जो है अपने असल उसमें आ गई है फॉर्म में, तो अब तो गुंजाइश ही नहीं है किसी धरने की। लेकिन अब अगर क्योंकि हम उनकी सेंटीमेंट्स का भी हमें वो है कि अगर वो कहते हैं कि भाई जाहिद हामिद साहब का वो इस्तीफा का मुतालबा करते हैं तो ये हुकूमत के पास रहा है, या फिर ये वो फौज के हैंड ओवर करे कि आप जो है इसे क्लियर कराएं, ताकि हुकूमत का भी, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी मॉडल टाउन जैसा कोई वाकया होता है तो हुकूमत के लिए और हुकूमत खुद भी चाहती है। और एक और अहम बात यह है, इस वक्त जो बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल वो ये है कि सियासी जमातें इस ये एक कौमी इशू बन चुका है, लेकिन सियासी जमातों का रोल जो होना चाहिए था वो यहाँ पर भी पॉइंट स्कोरिंग ही कर रही है, अपनी सियासत कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा हसास तरीन मौजू है कि इस पर जो है सियासत नहीं होनी चाहिए, और सियासी जमातों को खुद आके आपकी डिस्कशन को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज जो धरने की सूरत हाल चल रही है उस हवाले से हम डिस्कशन करें, लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं न्यूज स्टूडियोज जहां पर कुछ अहम खबर है, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग, और जैसे कि बात हो रही है इस्लामाबाद धरने के हवाले से, तो ओवरऑल अपडेट्स जो भी इस हवाले से आएंगी वो तो आपको बताएंगे, लेकिन इस सब पर तज्जिया करने के लिए इस वक्त नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें साथ साथ बता रहे हैं इसके सिचुएशन में किस तरह से ये मजीद टर्नआउट आ सकते हैं। जी अच्छा नफीस भाई, अभी हम बात कर रहे थे हुकूमत के हवाले से, अपार्ट फ्रॉम धरना जो भी सियासत हो रही है, जो भी धरना दिया जा रहा है, जो भी उनके मुज़ाकरात हैं, उससे हटके अगर नून लीग को देखा जाए, इनकी ओवरऑल हुकूमत को देखा जाए, अब तो 6-7 महीने रह गए हैं, फिर 18 के इलेक्शंस आ जाएंगे, ये इतने नाकाम क्यों हैं हर चीज़ को हैंडल करने में? इनसे 4 हलके भी हैंडल नहीं हुए, फिर इन्हें खोलना पड़े, फिर इनसे पनामा केस के मामले पर भी मसला पार्लियामेंट पे हल नहीं हुआ, ये अदालत गए और आज धरने और जलसों की सियासत कर रहे हैं, कभी एबटाबाद में और कभी कहीं और आज फिर ये एक और मसला। मैं इसका जवाब जो है ना वसूलुल्लाह साहब के आर्टिकल से ही दूंगा। हाँ। वो ये कहते हैं कि नून लीग साहब जो ये खासकर शरीफों का उन्होंने बाकायदा नाम लेके कहा है कि ये नाका अच्छी तरह जानते हैं कि है क्या, क्योंकि ये खुद भी शामिल हुए थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत गिराने में, तहरीक इस्तकलाल में बनाने में, और जो IJI बनाई वो भी उस उन्होंने जो जमा किए उसमें भी इनका इनकी इनके बाकियात या इनका आप कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक था उसके साथ, फिर उन्होंने इन्होंने सज्जाद अली शाह और फारूक लगारी के साथ इंडिपेंडेंटली जो है इनका शिकार करने की कोशिश की, और वसूतुल्लाह साहब ने इन्हें जिम कॉर्बेट का खिताब दिया जो मशहूर शिकारी थे भारत के ताल्लुक था उनका, और उन्होंने कहा कि लेकिन इन्होंने एक ऐसा शिकार करने की कोशिश की जो
चकमा दे गया इनको और वो शिकार ना हुआ बल्कि उसने पलट के इन पर हमला कर दिया। बच्चे समझती है कि उनका इशारा किस जानिब है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो लेकिन उसकी वजह से इनको मालूम हुआ कि ये डाका लगाने का कितना बुरा अंजाम होता है और जो शिकारी होता है वो अपना हिस्सा देने शेर की तरह का हिस्सा करता है कि ये मेरा हिस्सा, ये मेरे दोस्तों का हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, हिम्मत है तो उठा लो। तो इनको नसीहत हो गई है कि जो है जो नाका लगाया था इन्होंने भी किसी के खिलाफ, आज वही जो है तारीख अपने आप को दोहरा। नफी साहब लगता तो ऐसा है आपकी बातों से कि मुकाफात अमल पे आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो करते हैं वो फिर अल्टीमेटली पलट कर भी आप तक आता है। वही सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं इस वक्त जो ओवरऑल क्राइसिस में सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन इत्तेहाद बहुत से हो रहे हैं जगह जगह पर मुख्तलिफ जमातों के और अब पार्टी में जो रहनुमाओं की तब्दीलियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। क्या लगता है आपको, इलेक्शन भी करीब आ रहा है, प्री इलेक्शन की बातें हो रही थी और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये जो धरना इस वक्त इस्लामाबाद में कराया जा रहा है वो भी एक साजिश है प्री इलेक्शंस कराने की, ऐसी कोई सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है कि इलेक्शंस वक्त से पहले हो सकते हैं? देखिए जमातों का तो बड़ी दिली, जिसे मैं कहता हूँ ना दिली तमन्ना है कई जमातों की कि इंतखाबात वक्त से पहले हो जाए। इसमें पीटीआई भी पेश है, सारे फहरिस्त थी इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं उनका इत्तेहाद भी कल जो है इमरान खान की मौलाना समीउल हक से मुलाकात हुई है और उन्होंने इत्तेफाक भी किया, लाए अमल भी तय किया गया, मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये वाकई में अब आप देखें और हमने देखा कि एमएमए की भी जो है तश्कीलें नौ की बातें हो रही हैं कि वो भी जो है अब एक ग्रुप बन के एक मंशूर के तहत एक सिंबल के तहत वो लड़ेंगे। ये तो वाकई में अब की बात बिल्कुल ठीक है, आपने एनालिसिस बिल्कुल ठीक किया है कि ये धरना भी उसी की एक कड़ी है कि किसी तरीके से ऐसा क्राइसिस पैदा कर दिए जाए। ये मेरा मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये तजिए दे जा रहे हैं कि ऐसे क्राइसिस पैदा किए जाएं कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार हो जाए। और ये तमाम आप देख रहे हैं एक ये पहले वाहिद ऐसा इलेक्शन है जिसकी जो कैंपेन है वो कई माह पहले शुरू हो चुकी है। आप देखें तमाम जमातें अपना अपना सियासी जोर लगाने के लिए मैदान में उतर रही हैं, बिल्कुल तैयार उतर चुकी हैं। और संडे वाले दिन तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज कोई इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है, आज इसका जलसा कल उसका जलसा, पूरा संडे जो है वो एक तरीके का फंडे होता है, सियासी जो है ना उसमें बड़ी खबरें निकल रही होती हैं और बड़ी इल्जाम की सियासत होती है। अच्छा जहाँ पर हम बात करें कि प्री इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, इन केस लेट्स सपोज प्री इलेक्शंस हो जाते हैं तो कौन सी जमात को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये आपका। देखिए इस वक्त अगर आप वोट बैंक के सब देखें तो मुस्लिम लीग जिसे एक बिलीगर्ड जमात है एक क्राइसिस के अंदर है, उसके वोट बैंक मुतासर हो सकता है। बहरहाल अभी आप देख रहे हैं कि हम ये डिलिमिटेशन भी होंगी हुई हैं, सीटें भी पंजाब की कम हो रही हैं, मुस्लिम लीग पर के वोट पर बहरहाल इस मौजूदा सूरत हाल में खासकर जो अब ये जो नया एक शुरू हो गया मसला इसके वजह से वोट बैंक पर असर पड़ेगा। अगर कबल वक्त इंतखाबात होगा तो वैसे भी उनकी क्रेडिबिलिटी को डेंट लगेगा और पीटीआई इसका फायदा भरपूर तरीके से उठा सकती है। अच्छा लेकिन नफीस साहब अब चूंकि आपने पीटीआई का जिक्र कर दिया है तो इमरान खान साहब के ऊपर भी कुछ केसेस हैं जिनके फैसले महफूज हुए हैं और जब ये फैसले खुलकर आएंगे तो नून लीग का मौके ऐसा है कि हमारी तो बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाएगी, इन एनी केस हम लोग जीत जाएंगे। वो किस तरह से कि अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो पार्टी की सदारत ऑब्वियसली बात है कि पीटीआई को एक बहुत बड़ा धचका है उनकी अगर नाअहली हो जाती है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर नाअहल नहीं होते तो फिर जजेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। तो नून लीग के मौकफ तो ऐसे ही सामने आ रहे हैं कि हमारे लिए तो बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। आपको जजेस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल क्यों उठेंगे? इमरान खान का केस नवाज शरीफ के केस से थोड़ा मुख्तलिफ है, इमरान खान किसी भी गवर्नमेंट उसमें के उनका exactly. उनके पास नहीं है कोई वादा और ना वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। और इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा अगर मेरे खिलाफ फैसला है कि मुझे क्यों निकाला, मैं खुद ही हट जाऊँगा कि वो सबूत पेश करेंगे। और शेख रशीद ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से जमैमा ने इमरान खान का केस लड़ा है उसकी मिसाल नहीं मिलती है, इसीलिए पीटीआई इतनी कॉन्फिडेंट भी नजर। लेकिन पैनामा के बेंच पर आपको लगता है कि कोई सवाल नहीं उठेंगे क्योंकि पैनामा के ही केसेस के ऊपर इन दोनों के मुकदमे और नवाज शरीफ तो उस पर नायल होंगे? नवाज शरीफ नायल हो चुके हैं, लेकिन अब हमने देखा था जजेस साहब के भी कुछ रिमार्क्स थे कि हम कुछ ऐसी गलतियों को जो है वो ये नहीं कह सकता कि बदनीयती है ये। तो अगर वो उस सिनेरियो में देखते हैं, अगर उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हाँ ये बदनीयती है तो इमरान साहब के खान साहब के चांसेस हैं नाहली के, वरना उनके नाहली के बड़े कम इम्कान हैं। और ये जजेस के भी उन्होंने कहा है कि हम बड़े सोच समझ के फैसला देंगे, देर से देंगे, जिसमें मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया कि हमारे लिए जल्दी थी, दूसरों के लिए आप बड़े आराम से तहमुल से काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अदलिया होती है, हर चीज़ की हर पहलू पर नजर रखते हुए फैसला देगी। और इमरान खान बड़े ही ज्यादा मुतमिन है, मैंने तो उनको सुनी है कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो अपनी जगह पर हैं, उनके इस फैसले पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा ने राना सनाउल्लाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग, आज बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सर ओवरऑल जो अभी कंडीशन जो सूरत हाल चल रही है वफाकी दारुल हुकूमत में फैजाबाद इंटरचेंज के ऊपर, इसके लिए अब आप लोग क्या मजीद इकदाम कर रहे हैं? आज इजलास तो हो ही रहा है।
इस पे आज दोबारा जो है वो तहरीके लबैक या रसूलल्लाह के जो नेगोशिएशन का जो उनका वफद है जी। उनके साथ रात भी काफी सिलसिले में जो है वो सिटिंग हुई है 2-2.5 घंटे और आज दोपहर को दोबारा जो है वो उनके साथ बैठ रहे हैं और कोशिश ये है कि ये मामला जो है वो फहम तफहीम से और बातचीत के लिए से जो है ये हल हो जाए। ठीक, अच्छा नाना साहब ये बताएगा कि हतुल इमकान इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही फहम तफहीम के साथ हल हो जाए, लेकिन अगर आज भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो क्या लास्ट ऑप्शन जो आप लोगों के पास है उसका इस्तेमाल अब कर लिया जाएगा? देखिए लास्ट ऑप्शन जो है वो तो बहरहाल गवर्नमेंट के पास या इंतजामिया के पास ऑप्शन के तौर पे जो है वो पहले से अब भी और आइंदा भी वो तो मौजूद है रहेगा। लेकिन इसमें ये मामला जो है ये क्योंकि कोई उनका पॉलिटिकल मुतालबा नहीं है, ये एक यानी दीन अकीदे से मुतलका चीज है और जिसपे एक गलत फहमी जो है वो एक इस तरह से जो है वो दाखिल हुई है कि इस सूरत हाल को उसने कशीदा कर दिया है, तो इसको फहमो तफहीम से अगर हल कर लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे असरात होंगे तमाम हवालों से। और इसमें ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को इस धरने की वजह से या वहाँ पे जो ट्रैफिक ब्लॉक है उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है जी। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अगर एक आध दिन में ये मामला जो है वो अकामो तफहीम से हल हो जाए तो उसमें जो है वो बेहतरी है, उसमें फ़ायदा है। ठीक, अच्छा राना साहब आज इजलास भी है और तमाम मकातिब पे फिक्र के लोगों को बुलाया है, तमाम उलमाए कराम को बुलाया है, तो आपको कितनी उम्मीद है कि आज जो है तमाम मामलात हल हो जाएंगे, आज ये जो डायलॉग है इसका अमल जो है कामयाब हो जाएगा? देखिए बहुत सारे लोग जो है वो मशाइख़ कराम और काफी बासर उलमा जो है वो इस मामले में पड़े हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज जो है ये किसी एक कंसेंसस पॉइंट के ऊपर जो है वो आके तो ये तय हो जाए, तो उम्मीद है कि आज ये मामला जो है ये शाम तक इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा राना साहब ये बताएगा क्या वजह है कि इतनी ताखीर कर दी गई है हुकूमत की जानिब से, 15 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक ये मामला हल नहीं हो पा रहा है, अहकाम भी आ चुके हैं फिर मुजाकरात भी किए जा रहे हैं, हुकूमत ने इतनी ताखीर क्यों कर दी? नहीं देखिए इसमें कोई ताखीर नहीं है, इसमें कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा और कोई रात के जब रात गए तक जो है वो इस सिलसिले में मीटिंग्स और बातचीत मुजाकरात नहीं हुए और कोई दिन भी ऐसा नहीं है कि जिसमें जो है वो इसके ऊपर जो है वो बात ना हुई हो। लेकिन मामला ये है कि इस चीज़ में थोड़ा जो एक जिद का अंसर है और गैर लचक दराना रवैया जो है उसकी वजह से जो है वो चीज़ जो है वो हल नहीं हो पा रही। वैसे पहले इनके मुतालबात जो थे वो कोई एक आध नहीं था बल्कि 12-13 के करीब मुतालबात थे, उन सब के ऊपर जो है वो बात होती रही और सब के ऊपर जो है वो कंसेंसस और तरीकाकार के ऊपर जो है वो इतफाक हो गया। अब यहाँ आके जो रिपोर्ट है राजा जफर हक साहब वाली उस पर और जहाद अहमद साहब के मामले पर जो है वो आके राना साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर इतना आप देख रहे हैं कि 11-12 आप कह रहे हैं कि मुतालबात मंजूर हो चुके हैं तो ये जाहिद हामिद साहब का जो इशू है अगर हुकूमत ये क्यों नहीं करती कि उनसे मुस्ताफी कह दे और ये कहे कि एक कमेटी बना दे और जब तक कमेटी फैसला कर ले, कमेटी का फैसला आने के बाद जाहिद हामिद साहब से कहें कि अगर वो उनका कोई कसूर होता है या गलती निकलती है या नहीं साबित होती वो रेस्टोर कर दें उनको, और अगर गलती साबित होती है तो उन्हें सस्पेंड कर दें इस तरीके से, ताकि जो है इस वक्त इस सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा हॉट हो गई है इसको काम डाउन कर जा सके। देखिए ये दोनों चीज़ें हैं, एक बात मौकफ इस तरह से है जिस तरह से आप फरमा रहे हैं और एक ये है कि जब एक कमेटी बन गई है और वो कमेटी जो है वो इस बारे में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी तो इंक्वायरी रिपोर्ट जब पेश होगी तो जो गुनाहगार होगा उसको सजा मिलेगी, जो बेकसूर होगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। विदाउट रिजल्ट ऑफ एनी इंक्वायरी आप किसी को किस तरह से जो है वो बुरे इल्जाम ठहरा सकते हैं? सर तंजियादारों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अखलाकी जवाब तो यही बनता है कि वो खुद ही मुस्ताफी हो जाएं थोड़े दिन तक ताकि ओवरऑल सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। देखिए ये सारी दोनों जो चीजें हमने पहले डिस्कस की हैं या अब आपने बात की है,
ये चीजें जो है ये बिल्कुल इसमें जो है वो कोई दूसरी राय नहीं है कि इनमें से कोई रास्ता एक रास्ता जो है वो अपनाया जाना चाहिए, तो इसी पे जो है ये सारी गुफ्तगू जो है वो हो रही है और आज इंशाल्लाह ताला इसमें से कोई ना कोई चीज जो है वो फाइनल हो जाए। अच्छा जानस साहब, इस वक्त धरना मुजाहिरीन तो हम देख रहे हैं कि उस तरह से लचक नहीं दिखा रहे, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि लचक नहीं दिखाई जा रही। अगर वक्ती तौर पर ये फैसला करना पड़े कि जाहिर साहब को आप थोड़ी देर के लिए उनके ओहदे से हटा दें और उसके बाद ये मामला जैसे कूल डाउन हो जाए, कमेटी की जो भी रिपोर्ट आती है और उसके बाद ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, तो हुकूमत इस पर इत्तफाक क्यों नहीं कर पा रही? देखिए ये मामला जो है इसके ऊपर मैं कोई अपनी जाती हैसियत में तो कोई राय नहीं दे सकता, तो इसमें तो जब सभी लोग बैठेंगे और उसके बाद कोई वो फैसला हो सकता है। और जैसा मैंने कहा है कि आज इन्हीं मामला के ऊपर बात करने के लिए जो है वो ये एक बजे का टाइम कर रहा है। सर अगर ये मामला हम उम्मीद है कि ये हल हो जाए, लेकिन अगर ये नहीं होता और आपको खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर आपके पास क्या गारंटी है कि वो अगर मुल्क भर में ये इसकी कॉल ना दे दें और धरने की जो सिलसिला जो इस्लामाबाद और कराची में ये मुल्क भर में फैल जाए, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें पेशे नजर हैं और इन सारी चीजों को जेरे गौर ला कर ही कोई जो है वो फैसला किया जाएगा या कोई स्टेप जो है वो उठाया जाएगा। तो इस सिलसिले में जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पहलू जो आप फरमा रहे हैं कि ये जो है वो हमारे पेशे नजर नहीं है या हुकूमत की पेशे नजर नहीं है, सब के ऊपर जो है वो बात हो रही है। ठीक है, यानी कि आप पूरी उम्मीद है कि तमाम मामला जो है वो हल हो जाएंगे और आज के इजलास के बाद कुछ बेहतर सूरत हाल निकल आएगी? जी मैं तो समझता हूँ कि अगर आप दुआ करें तो ये 100% इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आप हमारे साथ थे और ओवरऑल तमाम सिचुएशन जो है उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। नफीस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नफीस साहब, सारी बातें आपने सुन ली है, हुकूमती मौके पर आपके सामने क्या कहेंगे? देखें, असल मसला यही है जो अभी मैंने इनसे सवाल किया था, क्योंकि हुकूमत का असल तशवीश यही है कि अगर खुदा ना खास्ता ये ताकत का इस्तेमाल करते हैं और कोई मसला होता है और वहाँ से लीडरान ने, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद और कराची में, अब कराची में आप देख लें, हमारे अतराफ़ में देख लें ट्रैफिक में हमें आने में खुद कितनी प्रॉब्लम हुई है, इस्लामाबाद में 15 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर यही स्ट्राइक ये ताकत का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से धरने के कायदीन जो है वो मुल्क वाइज जो है पूरे मुल्क में कॉल दे देते हैं स्ट्राइक की या धरनों की, तो फिर क्या हाल होगा? हुकूमत कहाँ कहाँ निमटेगी किस किस से? तो अफहामो तफहीम से ये मसला हल होना चाहिए था और ये हुकूमत को मैं इस बात पर दूंगा कि हुकूमत को इस मसले को इतना तूल नहीं देना चाहिए था, इसको उसी वक्त कंटेन कर लेना चाहिए था जब ये शुरू में वहाँ आए थे, इनको वहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था, जैसे जो इनकी खास जगह है वहाँ तक। अभी तक हुकूमत अपनी कोई खास पॉलिसी मुरतब नहीं कर सकी, वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार है कि उन्हें इस मसले पर करना क्या है। अल्लाह करे तमाम मामला सॉर्ट आउट हो जाए। बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, हमारे साथ मौजूद थे और इंतहाई अहम मसले के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। गुड मॉर्निंग, आज में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात होगी फैज अहमद फैज के हवाले से, कहीं जाएगा, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब जनाब, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे कह रहे थे कि बात होगी फैज के हवाले से, आज उनकी 33वीं बरसी मनाई जा रही है और डेफिनेटली गालिब और इकबाल के बाद एक ऐसे शायर है हमारे जिन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो इस पैगाम को फैलाया, इनकलाबी शायर जिन्हें तसव्वुर किया जाता है और बेपनाह उन्हें अवार्ड भी दिए गए, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। और बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की की जानिब से भी उन्हें अमन अवार्ड दिया गया और उनकी रहलत से पहले उन्हें नोबल अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया था। तो इतने बेतहाशा उनके अवार्ड्स हैं, इतनी उनकी चीज़ें हैं जिनका हम अगर जिक्र करें तो मेरा ख्याल है कि आज का पूरा दिन जो है वो उनकी याद कम पड़ जाए। क्या अशआर उन्होंने लिखे हैं, क्या शायरी की है, क्या अल्फाजों को जो है वो किस तरीके से एक्सप्रेस करते थे, किस तरीके से लोगों को वो बताते थे कि एक्चुअली लाइफ क्या है। अगर बात की जाए अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में जो है 3 दिन से ये तकरीब जारी थी और जिसमें सारे फनकारों ने भी शिरकत की, बहुत सारे लोग वहाँ पर शरीक हुए और फैज़ के हवाले से तो यही कहा जाता है कि जब भी इस तरह का कोई इवेंट होता है, उनकी बरसी आए या जब भी उनको याद किया जाता है तो फैज़ के बाकायदा तौर पर मेले लगते हैं। तो जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, एहसास इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज ने समाजी मसाइल को मुख्तलिफ एहसास से जोड़ते हुए यादगार रोमानवी गीतों का हिस्सा बनाया। लिबरल और सेक्युलर इकदार पर यकीन रखने वाले फैज अहमद फैज अपनी तरक्की पसंदाना सोच और शायरी से पाकिस्तान की असलों को मुतासर कर चुके हैं। आइए उन्हीं की कुछ यादें ताजा करते हैं।
میں منزل جستجو ہی صحیح نہیں وصال میسر تو آرزو صحیح کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے جی نظر چرا کے چلے جس میں جان بچا کے چلے بلا شبہ جناب ہر دل عزیزی انداز ان کا تھا اور فیض احمد فیض انقلاب اور رومان کو ایک ساتھ پیش کرنے کا نام ہے اور فیض کی فکر کے حوالے سے بات کریں تو ان کا پیغام دنیا بھر میں گیا لوگوں نے بھی جانا اور مانا گیا فیض کی فکر کی فروغ دینے کے لیے لاہور میں 3 روزہ عالمی میلہ بھی ہوا جو اپنی رانائیاں بکھیر کر رام پذیر ہو گیا اس حوالے سے ہمیں مزید بتا رہے ہیں آج بھی اس کے نمائندے سعید ولد والا تیسرا فیض انٹرنیشنل فیسٹیول عوامی توجہ کا مرکز بنا رہا الحمرا آرٹ سینٹر میں ہونے والے اس 3 روزہ فیسٹیول میں علم و ادب شاعری اور فیض کے چاہنے والے ملک کے طول و عرض اور غیر ممالک سے آئے افراد نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی اور فیض کو خراج تحسین پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ 6 مختلف نمائشوں کا اہتمام کیا گیا تھا جن میں فیض کے آرٹ ورک ان کی شاعری اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تصاویر کو نمایاں کیا گیا ان ایگزیبیشن میں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے تقاریری مقابلے بچوں کے مصوری کے مقابلے ڈانس پرفارمنسز اور ڈبیٹ کمپٹیشن اور ادبی بیٹھکوں کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں ملک کے دانشوروں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد فنکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے اپنے مقالے پیش کیے اس کے ساتھ ساتھ شرکا کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہیں تفریح فراہم کرنے کے لیے مشہور سنگرز کی آواز میں ریکارڈ کی گئی فیض صاحب کی جو غزلیں ہیں ان کو سنوانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا اس فیسٹیول کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ اس میں اجوکا تھیٹر گروپ کی جانب سے لو پھر بسنت آئی کے نام سے ایک خوبصورت کھیل پیش کیا گیا جس کی حاضرین نے خوب پذیرائی کی اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا بھی اہتمام کیا گیا تھا آپ کا بہت شکریہ اور کیا بات ہے فیض احمد فیض کے کلام کی فیض احمد فیض کی انقلابی شاعری پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور شاعر ناصر بشیر صاحب السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ آج سر فیض صاحب کی مشہور نظم ہم دیکھیں گے کو اگر ہم موجودہ سیاست میں ہونے والے حالات اور واقعات کے تناظر میں دیکھیں تو کیا وہ کسی حد تک ان پر منقبت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے بالکل آپ نے یہ درست کہا کہ جب ہم یہ نظم فیض صاحب کی دھیان میں لاتے آج کے منظر نامے کی طرف بھی ہمارا دھیان جاتا ہے لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ فیض صاحب کی نظم ایک خواب بھی ہے اور ایک تعبیر بھی ہے وہ خواب جو انہوں نے ہمیں دکھایا تھا اور وہ خواب جو ایک عام آدمی 70 سال سے دیکھ رہا ہے تو ہم ابھی تک خواب کی کیفیت میں ہیں جو ہی ذرا سی امید کی ایک کرن ہمیں دکھائی دیتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا یہ وہی روز حشر ہے جس کا بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ دیکھیں گے محسوس تو بظاہر یہی ہوتا ہے کہ فیض صاحب نے جو اپنی عزم میں کہا تھا وہ ہمیں آج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ابھی بہت سے چیزیں باقی ہیں ابھی فیض صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے یہاں آ کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو باتیں فیض صاحب نے کہی ہیں کہ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روحی کی طرح اڑ جائیں گے یہ تو ہمیں ایسے واقعات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جب کسی کا احتساب ہوتا ہے جب کوئی پسے دیوارے زندہ بھیج دیا جاتا ہے کسی کرپشن کے الزام میں بدعنوانی کے الزام میں جی. یا کسی کو نااہل کر دیا جاتا ہے تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ فیض صاحب نے کچھ اور بھی کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو ناظر بھی ہے منظر بھی اٹھے گا انل حق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلق خدا
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बिल्कुल फैज साहब ने ये हमारे इस ख्वाब को मशहूद किया है खलके खुदा के राज से। हमारे यहाँ कहने को तो जरूरत है, नाम तो जरूरत का लिया जाता है, बार बार हमें एक ख्वाब दिखाया जाता है और हर बुराई को ये कह के नासिर साहब इस वक्त आप तमाम उनके शेर सुना दिए ना, उससे तो एक अजब सा समा बन चुका है। अगर फैज की ही बात मजीद करें तो फैज की शायरी का आगाज रोमानवी तहरीक के दौर से होता है, लेकिन दीगर तरक्की पसंद शौरा की तरह उनकी इब्तदाई शायरी में भी ये लबो लहजा गालिब रहा है। नतीजतन उनकी रोमानवियत उनकी सियासी फिक्र से भी आजाद नहीं रही, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल बात ये सही कहते हैं कि जिस जमाने में फैज साहब ने शायरी का आगाज किया वो रोमानवी तहरीक का आगाज था, रोमानवी तहरीक का दौर था। उसमें बेशुमार अफसाना निगार थे, ऐसे थे जिन्होंने रूमानी हवाले से अफसाने लिखे, शायरी भी की, और ज़ाहिर है फैज साहब भी उससे बच नहीं सकते थे। उन्होंने बेशुमार शायरी शुरू में ऐसी ही की जिसमें उनका रूमानवियत साफ नजर आती है। मतलब ये देखिए कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। या फिर उनकी एक और गजल के अशार है, रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। क्या बात, फिर नजर में फूल महके दिल में फिर शम्में जली, फिर नजर में फूल महके दिल में फिर शम्में जली, फिर तसव्वुर ने लिया इस बज़्म में जाने का नाम। तो ये उनका रुमानवी लहजा नजर आता है हमें। लेकिन फिर साथ साथ आपने जैसे कि आपने सवाल किया कि तरकीब संदीप उनके साथ से चल रही है, यही फैज साहब की कामयाबी का राज है कि फैज साहब की शायरी एक कहरी नहीं है, यकसती शायरी नहीं है। उन्होंने रुमान को भी साथ रखा, उन्होंने इश्क को भी साथ रखा और साथ साथ इनकलाब को भी साथ रखा। जब वो कहते हैं कि निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के जहां, निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के जहां, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्मो जान बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्मे बस्तो कुशाद, है अहले दिल के लिए अब ये नज़्मे बस्तो कुशाद, के संगो खिश्त मुकय्यद हैं और सग आजाद। तो ये सूरत हाल जो है फैज साहब, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, मशहूर शायर हमारे साथ मौजूद थे, फैज अहमद फैज के कलाम पर रोशनी डाल रहे थे। और फैज अहमद फैज के कलाम की क्या ही बात है, बिल्कुल इनकलाब को भी साथ रखते हैं और तरक्की को भी साथ रखते हैं, रुमानवी भी लिखा और साथ साथ इतना ज़बरदस्त लिखा कि आज तक उनके कलाम को हम फॉलो करते हैं। और आज तक जितने भी कलाम हमने फैज अहमद फैज के पढ़े हैं उसमें यही होता है कि दौरे हाजिर की तमाम चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही होती हैं। तो फैज अहमद फैज के कलाम के हवाले से हमने आपको बताया, उम्मीद है कि आज का शो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।